ki video ki ending abhi bhi hai pending. Chitti ne kaata hai bhi. Chitti ne kaata. Kidhar hai bhi. Nahi dikh rahi hai na. Dikhai de rahi hai. Nahi dikh rahi na. अच्छा तो ऊपर आ जाना फिर ऊपर आने के बाद तो दिखाई देगा आज एक बार फिर से बढ़िया वाले मौसम के साथ आज पूरी ठंडी बदल है उस ठंडी के साथ यहाँ पर लग रहा है कि पेड़ भी गिर रहे हैं आज का तो गिर गया भाई तो बहुत सारे लोग पीछे हम पहल भी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन तो ठीक है चालू तो है बट इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लग रहे हैं इसी वजह से थोड़ा सा रस कम अच्छी बात आप अंदर राइट होने साइड में देखें तो वेदर बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई साहब क्या मौसम है और क्या रो रहे यार भैया ऐसा लग रहा है कि कोकण के जबरदस्त बढ़िया नजारा मेरे सामने अभी अगर सुपर बाइक होगी तो क्या मजा आ जाता है Always you have to take a right for right decision. So I am taking right for right decision. और ये ऊपर देखो, बिल्कुल ये बादल दिख रहे हैं इसके ऊपर इस तरह से आ रहा है, जो हमसे छुप गए। तो जितना भी टाइम है हमारे पास छुपने के लिए, उतने में निकल लेते हैं। और रोड भी तो देखो कितनी क्लियर है। और मौसम इतना ज़्यादा बढ़िया हो चुका है कि रोड से कोई ऐसा कचरा नहीं ना कुछ भी नहीं पूरी ठंडी हवा आ रही है और देखो कितनी मतलब धूप नहीं है और ना कुछ भी नहीं है और दोनों तरफ ऐसे पेड़ वाह 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 यार जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको ये अच्छी नहीं पीछे जो एक गेट दिख रहा है तो गेट आपको नजर आया होगा तो गेट मेंटल हॉस्पिटल का गेट है जो पुणे में मेंटल हॉस्पिटल है सबसे बड़ा तो उसका गेट Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. It's alright. खाने का सामान ले लिया है।
भाई किधर आ रहे हो? अगर मेरे पास अभी टेलर होती तो यार सिर्फ एक ही चीज करता रहता, टाउनशिप टाउनशिप टाउनशिप। ओए भाई रही है भाई रही। अभी थोड़ा सा हैंडल सा छोड़ दिया इसे लो, ना 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 कर दिया भाई, ब्रेक लगा पे। यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं, बहुत सारे। ये देखो ये इकट्ठा करके रखे हुए शायद, या तोड़ दिए तो समझ में नहीं आ रहा ठीक से। अबे यार इसमें क्या हुआ, मिसिंग करने लगे। मिसिंग मत कर भाई, मिसिंग कर मत, कचरा लग गया होगा शायद। बुम 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 चलाने में और पेनली 600 चलाने में जो मजा आता है भाई, और किसी बाइक में नहीं आता around the nursery and so finally we are back to the home. Aur ghar aane ke baad maine khana khaya, thoda sa haath pair dhoke wagera, thoda sa neend mein tha, so gaya tha, to abhi utha, bola ki video ka end kar do. To hum bahar kis liye gaye the, kyunki jo humne dmart se jeans kharidi thi, us jeans ka bina matlab wo thodi si badi thi, तो उसका हमने थोड़ी सी फिटिंग वगैरह करवा ली, इतना करना था और एक दोस्त को भी मिलना था, तो उससे कुछ मुझे सामान भी लेना था और उसके बाद में फिर थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, तो वो सब चीज़ें हो गई है एकदम फर्स्ट क्लास। कि आज तो बिल्कुल बारिश नहीं आई, आज बारिश का कोई चक्कर ही नहीं, तो पूरे दिन में आज दिन कैसा गया, एकदम एक नंबर बढ़िया दिन गया है। मतलब बाइक पे ऐसे लग रहा था कि मीलों मील चलते जाओ, ऐसा लग रहा था कि निकल जाऊँ अभी निकले तो, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, घर तो आना ही था। सो कल भी बहुत मज़े करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, बस बारिश नहीं होनी चाहिए, या हल्की हल्की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ज़्यादा बारिश हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। आज का दिन बढ़िया था यार। और हाँ, कल का जो ब्लॉग एडिटिंग कर रहा था मैं, कल रात को ही कर रहा था, बट रात को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे। अभी देखो कितना ज़्यादा सनलाइट आ रहा है यहाँ पर, शर्ट के ऊपर टी शर्ट के ऊपर भी दिख रहा होगा आपको। तो शाम के बज चुके हैं 5:30 बज चुके हैं, तरीके 5, और अभी टाइम हो चुका है 5:30 बज गए शाम के। और फिर ऐसा लग रहा है कि धूप थोड़ी सी अच्छी हल्की येल्लो नज़र आ रही है, सो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लैप्स वगैरह ले लूँ। बट टाइम लैप्स लेने के लिए जैसे मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर देखने के बाद मुझे एक भी बादल ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी बादल नहीं। तो कल का जो टाइम लैप्स था उसके अंदर भी इतना कुछ नहीं था एक्चुअली, जो मूव होते बादल जो वो इतने ज़्यादा मूव नहीं हो रहे थे। तो सोचा मैंने कि आज तो बादल है ही नहीं, टाइम लैप्स लूँगा मैं, कैसे लूँगा मैं टाइम लैप्स। टाइम लैप्स लेने के लिए कुछ चाहिए तो सही, उसके सूरज का भी ले सकते, बट इतना ज़्यादा टाइम लैप्स कौन लेते बैठेगा, मज़ा नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं देविका के वीडियोस बना रहा हूँ वो वीडियोस इतने ज़्यादा हो गए कल के ब्लॉग में, तो मैं परेशान हो गया भाई। मैंने अपने वीडियोस अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बोला नहीं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ यार। देविका 7-8 मिनट का वीडियो बस देविका का ही है, तो उनको छोटा करते 4-5 मिनट के ऊपर लेके आया स्टार्टिंग में, उसके बाद एंडिंग में फिर से 2-3 मिनट के लिए वो है ही। तो सोचा कि नहीं यार आज देविका बस तू बहुत तूने फुटेज खा लिया, इतना ज़्यादा फुटेज तो मैं भी नहीं खा बस देविका ने बहुत ज़्यादा फुटेज खा लिया। तो चलो
आज के ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। अगर देवी का आई तो एक दो शॉर्ट्स उसके भी दिखाऊंगा एंड एंड में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पर चीटियाँ बहुत ज़्यादा बैठती है यार। अपडेट तो आज के वीडियो का एंड यहीं पर कर देते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट ज़रूर करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे मज़ा नहीं आता। कमेंट करो यार, पता तो चले कि मैं ख़राब क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ है जो गलत कर रहा हूँ, इसलिए कमेंट करना ज़रूरी है। और मुझे बॉडी बनाना भी ज़रूरी है, बॉडी बनानी है। ऑल दो लॉकडाउन के चक्कर में बहुत लोगों ने बॉडीज़ वगैरह जिम विम भी स्टार्ट कर ली होंगी, तो मुझे उनसे स्पेशली उनको ये कहना है कि जोश में अगर होश में खो जाना, क्योंकि मेरा भी यही हो गया था। लॉकडाउन नया नया बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है। मैं एक्सरसाइज करता जा रहा हूँ, इतने ज़्यादा जोश में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ गलत हो गया मेरे बैक के साथ। और जो लोअर बैक इतना ज़्यादा पेन कर रहा है ना भाई, डॉक्टर के पास गया, पता नहीं कौन कौन सी गोली खाई, मलहम लगाए, क्या क्या कर दिया मैंने पता नहीं यार। तो इसके वजह से ये स्पेशल सिर्फ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि लॉकडाउन है तो एक्सरसाइज वगैरह करो, बॉडी फिट करो, फिट मसल करो, बट लिमिट में रह के करो, ज़्यादा और जोश में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द डे, बाय, सी यू। सो हमारे यहाँ पे चल रही है कल की तैयारी, जो कल शिव जयंती है। Spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.